जोर दी, आ रही आवाज? पैराली सर ने जोर दी। हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है। ये सच में आ रही है ये? मैं जी तो नाज़रीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। लाहौर में होने वाला ये वाकया रातों रात वायरल हो गया। 26 साल शब्बीर, कैसे उसका इंतकाल हुआ? 26 साल शब्बीर दफन होने के 13 दिन बाद आवाज़ें देने लगा। अहले मोहल्ला और इलाका जब इकट्ठा हुए तो आवाज़ें सुनने लगे। किसी ने वाइब्रेशन महसूस की और किसी ने आवाज़ सुनी। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स वहाँ पर पहुँचे और अपनी अपनी स्टोरी रिकॉर्ड की। आवाज़ों की कितनी हकीकत है, चलिए आपको दिखाते हैं। जोर दी, आ रही आवाज? पैराली सर ने जोर दी। हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है। ये सच में आ रही है ये? मैं वीडियो में दिखाई देने वाला ये मुर्दा पानी तो पी रहा है, मगर शब्बीर की कहानी से कोई ताल्लुक नहीं। 26 साल शब्बीर लाहौर का रहायशी था। मेहनत मजदूरी, घर की कफालत और पढ़ाई किया करता था। बीमारी में मुब्तला शब्बीर डॉक्टर के पास पहुंचा और उनके माँ बाप का कहना है कि इंजेक्शन लगने से उसका इंतकाल हुआ। इंतकाल के 13 दिन बाद ये खबर वायरल होती है, जो कि अहले मोहल्ला और अहले इलाका की जानिब से थी कि शब्बीर की कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। चंद लोग वहाँ पे पहुँचे, चंद मोहल्ला वहाँ पे पहुँचा और पूरा शहर इकट्ठा हो गया। जब वो क्लिप भी वायरल हुआ तो चंद यूट्यूबर्स ने इस ऑथेंटिक स्टोरी को कवर करने के लिए अपना वक्त निकाला और वहाँ पर पहुँचे, लेकिन अभी तक इसको कोई भी सदाकत का टैग नहीं लगा सका, जबकि इसमें बिल्कुल भी सदाकत नहीं और ये खबर झूठ है। जबकि दिखाई देने वाला मुर्दा लाहौर से, उसका जोर दी और ये वीडियो पुरानी थी। आ रही है आवाज? पैराली सर ने जोर दी। हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है। ये सच में आ रही है ये? मैं ये सच में आ रही है ये? मैं